सो गाइज ये है दी ऑल न्यू टाटा टियागो आई सी एनजी वेरियंट। अभी मैं इसका क्विक वॉक अराउंड दूंगा आपको ताकि आप देख ले कि ये गाड़ी कैसी दिखती है। इनफैक्ट ये जो कलर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कलर है। आपको यहाँ पे कैमरे में लग रहा होगा कि ये ब्लैक है, बट इस कलर का जो नाम है इट इज़ कॉल्ड द मिड नाइट प्लम कलर। सो ये बेसिकली आप जैसे जैसे इस पर धूप पड़ेगी आपको देखिएगा इसमें हल्का सा एक मेटालिक ब्राउन या ब्रॉन्ज का एक शेड है जो कि इसको बहुत अच्छा बनाता है। और अब हम बात करेंगे गाड़ी के फ्रंट एंड से, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड आप सबसे पहले चीज़ नोटिस करोगे कि इसको काफ़ी सारा क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है। आप देख लीजिए कि क्रोम की जो स्ट्रिप है वो दोनों हेडलाइट को ज्वाइन करते हुए बम्पर के अक्रॉस रन कर रही है। हेडलाइट के अंदर भी आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रोम मिलता है, इनफैक्ट अंदर की तरफ भी काफ़ी क्रोम एलिमेंट्स मिलते हैं। और ये है इसका हेडलाइट का सेटअप जो कि आपको एक लो बीम में एक प्रोजेक्टर मिलेगा, हाई बीम में रिफ्लेक्टर मिलेगा, और नीचे की तरफ आप अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉग लाइट मिलता है। एंड दीज आर द डीआरएल्स ऑफ द कार क्योंकि एलईडी है एंड काफ़ी ब्राइट है वो। आप देख सकते हैं इसका ग्रिल जो है सामने का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, इसमें भी आपको ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि क्रोम में फिनिश्ड है। सामने की तरफ टाटा का लोगो मिलेगा। एंड अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इसका जो ये फ्रंट लिप है ये थोड़ा सा स्पोर्टी बनाया गया, आप देख सकते हो, तो ये गाड़ी को थोड़ा सा स्पोर्टी स्टांस देता है आगे से। हुड लाइंस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी हुड लाइंस है नहीं गाड़ी में। तो साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पे सबसे पहले आप नोटिस करोगे कि आपको मिलता है ये फोर स्पोक डुअल टोन 14 इंच अलॉय व्हील्स। अब टायर का प्रोफाइल जो है वो है 175/65 R14। उसी के साथ आपको मिलता है बॉडी कलर्ड ORVM विद एन इंटीग्रेटेड इंडिकेटर जो कि यहाँ पे मौजूद है। क्रोम की बात करें तो क्रोम आपको देखेंगे डोर हैंडल्स पे मिल जाते हैं और कहीं भी क्रोम मौजूद नहीं है। जैसे आप देख सकते हो कि विंडो के चारों तरफ होता है बट ये मौजूद नहीं है वहाँ पे। एंड आपको ऊपर की तरफ आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको एक एंटेना मिलता है, ये देख सकते हैं आप। एंड उसके बाद आप पीछे की तरफ आएंगे तो आपको ये रैप अराउंड टेल लाइट मिलेगा। अब टेल लाइट का यूनिट जो है वो काफ़ी बेसिक है, आप देख सकते हैं कि इसमें एलईडी कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है हैलोजन सेटअप है पूरा का पूरा। आप बात करते हैं इसके रियर एंड की तो आप देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक और क्रोम की स्ट्रिप मिलेगी जो बूट के एकदम नीचे लगी हुई है। उसके अलावा आपको टियागो की बैजिंग मिलती है, टाटा की बैजिंग, एंड दिस इज द रियर कैमरा। उसी के साथ आपको ये ICNG का बैज मिलेगा जो कि सिग्निफाई करता है कि दिस इज द CNG वेरियंट ऑफ द टाटा टियागो। वाइपर के साथ आपको वॉशर भी मिलता है और यहाँ पे एक LED स्टॉप लाइट भी मिलती है। चलिए आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, वो है इसका बूट। बूट को एक्सेस करने के लिए एक तो अंदर से खोल सकते हैं या तो फिर आप चाबी से खोल सकते हैं। तो जैसे बूट खोलोगे एंड सरप्राइज देर इज नो स्पेस। आप देख सकते हैं कि ये जो यूनिट है, ये जो किट है CNG का, ये फैक्ट्री फिटेड है। एंड इसको फिट करने के बाद आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी जगह नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी जगह है। आप जो सामान देख रहे हो यहाँ पे जो आपको बूट स्पेस मिलता है वो है मात्र 80 लीटर यानी 80 लीटर्स का बूट स्पेस है। और ऊपर यहाँ पे आप थोड़ी बहुत चीज़ें रख सकते हैं। अब इसको एक्सेस कैसे करें, आप यहाँ से तो सामान डाल नहीं पाएंगे, तो अंदर से एक्सेस किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अब गाड़ी के अंदर एंड आपको मैं इसके बारे में और बताता हूँ। तो ये है टियागो ICNG का इंटीरियर। स्टार्ट करेंगे डोर पैनल से, डुअल कलर में आपको डोर पैनल मिल जाएगा। कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल मौजूद नहीं है, सब कुछ प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, गुड क्वालिटी प्लास्टिक है। बॉटल होल्डर मिल जाएगा आपको, दिस इज द साउंड सिस्टम बाय हार्मन। एंड ये इसका स्टीयरिंग व्हील, आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे यहाँ पे, सिर्फ इस साइड है, इस साइड मौजूद नहीं है। ये आप इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको देख सकते हो हार्मन का एक 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और कई सारे और फीचर्स के साथ। सीट्स आप देख सकते हो दोस्तों, सीट्स इज फिनिश्ड इन दिस ब्लैक अपहोल्स्ट्री। एंड ये आप देख सकते हैं इसमें जो आगे ग्रिल में जो डिजाइन है, इनफैक्ट यहाँ पे भी दिया गया है, दिस इज द ट्रायर डिजाइन, 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स, एंड आपको यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया गया है। अब बात करेंगे क्रोम की, तो क्रोम आप देख सकते हो कि डोर हैंडल पे भी मौजूद है, बाहर की तरफ अंदर की तरफ AC वेंट्स के चारों तरफ भी क्रोम मौजूद है। एंड आपको मिलता है एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब इस गाड़ी को एक बार मैं स्टार्ट करूंगा ताकि आप देख लें कि इसका क्लस्टर कैसा दिखता है। तो ये देखिए, ये ऐसे इंफोटेनमेंट सिस्टम चालू होता है एंड ये है इसका क्लस्टर। तो मैं आपको यहाँ पे जो मिलेगा गेज, दिस इज द पेट्रोल गेज, और ये गेज जो आप देख सकते हो दिस इज द CNG गेज, यहाँ पे मार्किंग भी दी गई है। एंड उसके अलावा दिस इज द RPM मीटर, ये एक MID स्क्रीन है और कुछ टेल टेल लाइट्स है जो आपको बताएंगे गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन।
और यहाँ कुछ टेल टेल लाइट्स भी मिल जाएंगे आपको। उसी के साथ आप देख सकते हो कि क्रोम जो है ये पूरा इस क्लस्टर के अक्रॉस भी लगा हुआ है, जो कि इसको एक प्रीमियम सा फील देता है। अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ भी आपको काफी सिंपल सा एक सीट मिलेगा, कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है इसमें। आप देख सकते हो कि दोनों सीट जो आगे वाली है ये पीछे की तरफ पूरी तरीके से मैंने खींची हुई है। तो लेग स्पेस की बात करें तो ये जो आगे वाली सीट है ये मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। देख सकते हो कि मेरा पैर पूरी तरीके से लगा हुआ है, तो लेग स्पेस में थोड़ी इशू है। हेडरूम में इशू नहीं है क्योंकि जो है इसका रूफ जो है वो थोड़ा सा टॉल है। एंड जो मैं आपको बता रहा था कि बूट आप एक्सेस कर सकते हो, तो बूट आप एक्सेस कर पाओगे ऐसे, तो आप इसको उठाइए। एंड यहाँ मैंने कुछ सामान रखा है, आप देख सकते हो ये मेरा एक जैकेट है, ये गाड़ी का कवर है, और ये एक और पैकेट जिसमें कुछ सामान है, और एक और छोटा सा बैग आ जाएगा। उसके अलावा आपके पास स्पेस नहीं है, तो बूट स्पेस में ये गाड़ी डेफिनेटली मार खाती है। जी दोस्तों, दीज वर द इंटीरियर्स ऑफ द ऑल न्यू टाटा टियागो आईसीएनजी।